बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम दी उर्दू इस्लामिक टीचर के प्यारे नाज़रीन, ख़वातीन हज़रात, आज मैं आपकी ख़िदमत में अल्लाह तबारक व ताला के एक नाम का वजीफ़ा लेकर हाज़िर हुआ हूँ, जिसे पढ़ते ही आप अपने घर में देखिएगा कि हर तरफ आपको दौलत और पैसा ही पैसा नज़र आएगा। अल्लाह पाक आपके घर से रिज़क की तंगी को दूर फरमा देंगे और जो भी माली परेशानी जिनका आपको सामना करना पड़ा है वो इंशाअल्लाह ताला हल हो जाएगा। ख़वातीन हज़रात, आज का ये वजीफ़ा उन बहनों के लिए बहुत ही ख़ास है जो रिस्क में तंगी की वजह से परेशान हैं, जिनका कोई भी काम पैसों की कमी की वजह से रुका हुआ है, जिनके कारोबार में इजाफा नहीं हो रहा है, जिनके घर में गुर्बत आ चुकी है, वो आज का ये अमल जो है अल्लाह पाक का ये नाम जो है इसको पढ़ना शुरू कर दें। ख़वातीन हज़रात, अल्लाह तबारक व ताला के जो 99 नाम हैं उनको पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरकात हैं। हज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर कोई बंदा अल्लाह पाक के जो 99 नाम हैं उनको ज़बानी याद कर लेता है और उनका मतलब जानकर उन पर अमल करता है, वो शख्स जन्नत में जाएगा। इसके अलावा अल्लाह पाक के जो 99 नाम हैं उनको एक बार पढ़कर अल्लाह पाक से कुछ भी सच्चे दिल से आप मांगेंगे, आपको फौरन मिल जाएगा, आपकी दुआ रद्द नहीं जाएगी। तो आज का ये जो वजीफ़ा है ये अल्लाह पाक का एक नाम जो है या जल जलाली वल इकराम, इस नाम का ये अमल है। या जल जलाली वल इकराम, ए अजमत व जलाल और एनामो इकराम वाले, अल्लाह पाक जो है वो हर चीज़ पर कादर है, वो हर चीज़ जो है उसके इख्तियार में है। तो आपने करना यह है कि जब भी आप पर कोई भी मौली परेशानी आ जाए, किसी भी मुश्किल परेशानी में आप फंस जाएँ, तो अल्लाह पाक को इस नाम से पुकारना शुरू कर दीजिए। फिर देखिएगा कि फौरन अल्लाह पाक की गैबी मदद जो है वो आपको हासिल होगी और आपका मसला जो है वो हल हो जाएगा। तो आज का जो वजीफ़ा है वो आपने कुछ इस तरह से करना है कि ये अमल आपने सुबह और शाम, यानी सुबह नमाज फजर के बाद और रात को सोने से पहले इशा की नमाज के बाद आपने 101 मरतबा या जल जलाली वल इकराम इस नाम का आपने विर्द करना है। वजीफ़े को शुरू करने से पहले और दुआ मांगने से पहले आपने 3-3 मरतबा दुरूद पाक जो भी आपको आता है वो आप पढ़ लीजिए। और जब आपने या जल जलाली वल इकराम अल्लाह पाक का ये नाम, इसका विर्द आपने करना है, जो भी आपकी मौली परेशानी है उसका तस्वुर आपके जहन में होना चाहिए। इसके अलावा आप इस नाम का विर्द जो है वो चलते फिरते, उठते बैठते, अगर आप सारा दिन भी करते हैं तो सारे दिन के हिसाब से जो भी परेशानियाँ, जो भी मुश्किल आपके जहन में आएंगी, वो इंशाअल्लाह ताला इस ख़ास नाम को पढ़ने की बदौलत से फौरन ऑटोमेटिक की ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। तो आज का ये जो अमल है इसको लाजमी कीजिए, इंशाअल्लाह ताला आपका हर बड़ा मकसद जो है वो पूरा हो जाएगा। जज़ाकअल्लाह।